126 से देखते हैं, चक्रवात द साइक्लोन। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा साइक्लोन हमारा रॉन्ग मैच्ड है, तो बाकी सारे सही हैं, एक गलत है, तो वो हमें बताना है। और ऑप्शंस में ये पेयर बना के दिया गया है, तो हमारा 2, 3 एंड 4 तीनों ही गलत मैच्ड हैं। तो केवल पहला टाइफून्स जो है वो चाइना सी, चीन सागर का है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है हरिकेन्स इंडियन ओशियन, ये गलत है। साइक्लोन्स वेस्ट इंडीज गलत है, टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। तो ये चक्रवात जो होते हैं, मतलब इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि टाइफून्स, हरिकेन्स, साइक्लोन। तो टाइफून जो है वो तो हमने देखा कि टाइफून हमारा चीन सागर, हरिकेन या प्रभंजन वो कैरिबियन सागर का होता है, और चक्रवात जो होता है या साइक्लोन वो हमारा भारत या बंगाल की खाड़ी या इंडियन ओशियन का होता है, टॉर्नेडो अमेरिका व मैक्सिको, और विली विलीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये कुछ अलग तरीके के नाम से विली विलीज, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ये इनके सही नाम है सबके, तो ये आया। उसके बाद आते हैं 127 पे, द सेंटर लो प्रेशर एरिया ऑफ अ साइक्लोन इज, या फिर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज, जिसको हम आई ऑफ अ साइक्लोन भी बोलते हैं। तो जो साइक्लोन का सेंटर होता है या फिर लो प्रेशर होता है तो वो आई भी कहलाता है, आई ऑफ साइक्लोन। तो ये हो गया 130। पहले 128 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। तो थंडर बोल्ट का लैंड किसे कहा जाता है, तो भूटान जो देश है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश होती है और थंडर बोल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजली बहुत गिरती है, तो इस वजह से उसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है भूटान देश को। फिर आते हैं इसमें से 129 की, करेक्टली मैस्ड जलवायु द क्लाइमेट, क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं। तो करेक्टली मैं इसकी बात करें तो प्रेरीज यहाँ पे गलत है। प्रेरीज क्या है, ये सारे क्या हैं, ग्रास लैंड है बहुत बड़े, जितने भी प्रेरीज, गाइजर या गीजर, पैम्पास और वेल्ट्स, तो कौन सा एक सही मैच है, तो ये जो गीजर या गाइजर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। बाकी नीचे देखते हैं, प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक ग्रास लैंड है, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, उश रोड्स है, तो ये वाला गीजर ये तो सही था ही, और पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का, ये नॉर्थ अमेरिका का है। तो ये है जो प्रेरीज है ये कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का, पंपास साउथ अमेरिका का, तो ये नॉर्थ साउथ, और वेल्ट्स जो है ये है अफ्रीका का ग्रास लैंड, तो सेंट्रल एशिया, कनाडा, रसिया, इनकी बात नहीं है इसमें, तो गीजर चाहिए, बाकी प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, और वेल्ट्स अफ्रीका का ग्रास लैंड है बहुत बड़ा। 130 बात है, कैनबेरा सेलिब्रेट्स इट्स क्रिसमस ड्यूरिंग द समर सीजन, तो कोई जगह कैनबेरा जो वहाँ पे अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं समर सीजन में, एक ये फैक्ट है। अर्जर्सन है, रीजन इट इज़ अ प्लांट नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये बोले कि कैनबेरा इज प्लांट नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये रीज़न तो नहीं हुआ इसका कि वो समर में करते हैं, तो ये दोनों बातें सही हैं अपने आप में, ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है कि कैनबेरा इज़ अ प्लांट नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर लोग समर में क्रिसमस को मनाते हैं, बट ये उसका रीज़न नहीं है, तो ये दोनों अपने आप में सही हैं, पर अजर्सन बोथ ANR2, ANRR2, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो गया, कैनबेरा शहर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके आगे आते हैं मिनरल में, तो मिनरल में मैच किया गया, तो इसमें हमें सही मैचिंग करके बताना है। तो जो कोल है, कोल की बात करें, कोल हमारा थर्मल प्लांट से मिलेगा। हीनियम ये यूरेनियम है, ये गलत लिख दिया, यूरेनियम है, यूरेनियम हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये सबको पता ही है। उसके आगे चलते हैं, तो हेमाटाइट हमारा आयरन की ओर होती है, हेमाटाइट, और लाइमस्टोन है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो मतलब कौन कौन सी चीज़ कहाँ का मतलब यूज़ होती है या रिलेट करती है वो हमें मैच करके बताना था। तो 131 भी हो गया, उसके आगे चलते हैं 134 पे, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो वो थाईलैंड देश है, वहाँ पे जो रबर और नेचुरल रबर होती है ट्रीज से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होती है, ये हो गया। और शीर्ष तीन देश है थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। फिर आते हैं 132 पे, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के सबसे बड़े रिजर्व किस कॉन्टिनेंट या कंट्री के पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार क्रमशः ऑस्ट्रेलिया 28%, कजाकिस्तान 15% और कनाडा 9% में पाए जाते हैं। ये तीन टॉप 3 कंट्रीज हो गए। फिर आते हैं 135 पे, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स, मिक्स्ड फार्मिंग का क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है कि क्रॉप रेजिंग एंड लिव स्टॉक, लाइव स्टॉक फार्मिंग, मतलब फसल भी उसमें उगाना और पशुपालन भी करना, तो इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। कि दिस
प्लस दिस, तो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन, क्रॉप रेजिंग एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, दोनों ही साथ में करना। रिक्टर स्केल तो लगभग सभी ने सुना है कि रिक्टर स्केल क्या होता है, जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का स्केल होता है, उस पर मेजर किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, वायु का वेग ये बोले वेलोसिटी ऑफ विंड तो एनीमोमीटर, और जल का वेग, जल का वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर तो क्यूसेक, और वायुमंडल में आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी इन एटमोसफियर तो ह्यूमिडिटी के लिए हमारा हाइग्रोमीटर, ये अलग अलग चीज़ें जुड़ी है, रिक्टर, एनीमोमीटर, क्यूसेक, तो ये मेजरिंग करने के लिए चीज़ें हैं। मतलब 33 पे आते हैं कि इसमें से एक सही करेक्ट मतलब मैच नहीं है तो वो हमको बताना है। तो अनशन जो जगह है वो आयरन एंड स्टील के लिए हो गई, पहला ये सही है। डिट्रॉयट तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए हो गया, और मिलन जो जगह है ये मिलान, ये सिल्क टेक्सटाइल का हब हो गया। अब बचा हमारा ये चेलियाबिनस्क, तो ये शिप बिल्डिंग के लिए नहीं होता। तो चेलियाबिनस्क रूस का एक शहर है जो एक बड़ा औद्योगिक नगर एवं व्यापारिक केंद्र है, तो केवल मतलब व्यापारिक केंद्र है, औद्योगिक नगर है, लेकिन शिप बिल्डिंग का नहीं है। तो बाकी तीन सही है, मिलान फॉर सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है, अनशन आयरन एंड स्टील, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स। अब आते हैं नंबर वन से शुरू करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस दिन अडॉप्ट किया गया था, तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, लिखा कब गया था या अडॉप्ट कब किया गया था। तो अगर अंगीकृत किया गया या अडॉप्ट की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी को, तो वो हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए होता है। तो नवंबर ये महीना है 1949 और 26 नवंबर को। फिर आते हैं फोर्थ पे, यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया फाइंड सिमिलरिटी इन, तो जो यूनियन स्टेट रिलेशन जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो वो किससे सिमिलरिटी उनकी होती है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते जुलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया तो है ही, तो ये दोनों एक साथ मिलते जुलते हो गए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहले जो था मतलब आज़ादी के पहले एक एक्ट था, तो उससे लिया गया था, इसका मूल जो था वो वहाँ से निकाला गया था, यूनियन स्टेट रिलेशंस। सेकंड पे आते हैं कि वो अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्वाजी फेडरल, ये अर्ध संघात्मक, किसने बोला था कि कौन बड़े मतलब जो भी होंगे, तो उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वाजी फेडरल है, आधा फेडरल है। तो केसी वियरे जो थे या केसी वियर, इन्होंने बोला था, ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधा फेडरल है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं, हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम द ड्राफ्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहली बार, अब ये तो यहाँ पे आंसर दे दिया गया है कि ए है, बट जो पूछा गया था तो वहाँ पे आंसर सही नहीं था। उल्लेखनीय है कि संविधान का पहला प्रारूप बी एन राव ने तैयार किया था, तो अब इसमें ऑप्शन में बी एन राव नहीं है, इसलिए क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है, तो यहाँ ऑप्शन ये ठीक है, बाकी तो तीन नहीं, लेकिन असली में पूछा जाएगा तो बी एन राव। तो फ्रेम्ड द ड्राफ्ट की बात करते हैं कि ड्राफ्ट को फ्रेम किया था, तो ये हो गया। फिफ्थ पे आते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर अ रेप्लिका ऑफ द हेड स्टेट ऑफ, तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है और प्राइम मिनिस्टर ने, तो किसी और नेशन में भी ऐसे ही मतलब हाई पावर के लोग होते हैं तो उनकी रेप्लिका है, तो किस स्टेट के हेड की रेप्लिका है, तो ब्रिटेन के, क्योंकि इंग्लिश रूल करके गए थे यहाँ तो ब्रिटेन से मिलता है हेड ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटेन, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो आगे बढ़ते हैं सिक्स पे, तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, तो इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कैसा डिक्लेयर करता है, तो इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, हिंदी में तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक, ये जो भी है ये सारी चीज़ें थी, 42वें संविधान संशोधन 42 जो संशोधन हुआ था 1976 में, द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर होगा मतलब ये दो तीन शब्द बस इतना याद रखना है, 42 जो संशोधन हुआ था 1976 में जोड़े गए थे। तो ये है, एक दो तीन चार पाँच, ये सब कुछ है।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट. तो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को मतलब किस उसके तहत इंटरनेशनल अग्रीमेंट के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार देता है. तो आर्टिकल 253, तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 253 है, 253, तो ये याद रखेंगे. फिर आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पे. विजन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रेम्बल में प्रस्तावना में कौन सी चीज़ नहीं है पहले से, तो सोशलिज्म है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, प्लान्ड डेवलपमेंट जो है. उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ये चीज़ उसमें नहीं है, मतलब अभी भी नहीं है. बाकी डिटेल है तो ये पॉज करके ये पढ़ सकते हैं जो भी है. फिर आते हैं नाइन्थ पे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर चीज़ें आती हैं, है तो वो आर्टिकल 51 हो गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 253 हो गया इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इस तरीके से. फिर आते हैं टेंथ पे कि प्रेजेंटली हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल्स हैं, तो स्केड्यूल जो होते हैं वो कम है गिनती में, तो 12 ही हैं. और आर्टिकल 395 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हिंदी में बोलेंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां. उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 13 पे आते हैं, विच शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. मतलब कुछ अगर दिक्कत होती है तो इलेक्टेड मेंबर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, तो किस शेड्यूल के अंदर आता है. तो 10th शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है दोनों ठीक है, बस अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से. तो 10th के अंदर आता है ये चीज़ कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इलेक्टेड मेंबर को हटा सकते हैं. अब आर्टिकल 32 के अंदर क्या आता है ऑफ द एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, 32 की अगर बात करें तो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की अगर कहीं भी बात होती है, लॉ मतलब वायलेट होता है, तो आर्टिकल 32 के अंदर उसके रिगार्डिंग चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर वॉयलेशन ऑफ मौलिक अधिकारों के हनन से रिलेटेड. आगे बढ़ते हैं, द प्रोविजंस कंटेन इन द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर. तो आर्टिकल 370 तो क्या है, अभी मतलब काफ़ी पॉपुलर रहा है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी उसमें चीज़ थी, तो वो है आर्टिकल 370. तो 370 में जो चीज़ें थी प्रोविजन, वो क्या थे, वो एक तरीके से टेम्प्रेरी ही थे, क्योंकि 70-75 साल पहले कुछ सोच के बनाया गया था कि टेम्प्रेरी है. अभी तक जो भी चल रहा है वो ठीक है, बट बस इतना याद रखना है कि 370 वाले टेम्प्रेरी थे, 2007 के पेपर में आया था. और इसके आगे भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 26 जनवरी 1957 को इसका संविधान लागू हुआ था. भारत संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध करता है, उसका खुद का संविधान, ठीक है. 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलने से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्यों के दर्जे को समाप्त कर दिया गया. 31 अक्टूबर 2019, ये डेट भी ज़रूरी है, 31 अक्टूबर, ये 9 अगस्त को 19 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित, ठीक है, प्रदेश हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर एक हो गया और लद्दाख दूसरा हो गया. जो पहले जो पूरा स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब वो तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए. वर्तमान में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है. तो 28 और 8 ईवीन नंबर की गिनती है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 28 और 8. दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया है, इसलिए 8 ही बचे केंद्र शासित प्रदेश. फिर आते हैं, विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द पंचायत. तो पंचायत से रिलेटेड के हाँ 11 स्केड्यूल में है. तो ये 12 तो स्केड्यूल हैं पूरे, ऊपर पढ़ा था भी, और 395 आर्टिकल हैं. तो किस आर्टिकल में या किस स्केड्यूल में क्या चीज़ें, तो ये चीज़ क्वेश्चन मतलब काफ़ी आ जाते हैं. जैसे 10th में क्या है कि अगर कोई कुछ भी दिक्कत करता है तो उसको इलेक्टेड मेंबर को हटा सकते हैं 10th में. 11th स्केड्यूल में पंचायत से रिलेटेड चीज़ें, तो ये 73 में जो संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें इसको बनाया गया था, इसके 11th स्केड्यूल के अंदर इसको पंचायत से रिलेटेड चीज़ को. 9th स्केड्यूल की बात करें तो लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें, भूमि सुधार से चीज़ें रिलेटेड की कहाँ लिखी हुई है, तो 9th स्केड्यूल में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स की 9th स्केड्यूल में लिखी हुई है. ये पंचायत की 11th स्केड्यूल में लिखी हुई है. फिर आते हैं 16 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज बीन रिसेंटली एडेड टू 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
बोल रहे हैं कि हाल फिलहाल में एयर स्केड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, अब ये समझना जरूरी है। अभी ये 2007 का पेपर था तो ये क्वेश्चन तो पुराना है, बट अभी का देख लेते हैं। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के में वर्तमान समय में 22 भारतीय भाषाएं वर्जित हैं, ठीक है। तो उसमें 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं टोटल, तो वो 22 कौन सी है, उसमें से लास्ट जो 19 से लेके 22 है, तो ये कब 2003 में ऐड करी गई थी, उसके पहले 18 होती थी। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी फोर्थ मतलब हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, ये सब मेन मेन जो स्टेट्स की भाषाएं हैं, और उसके अलावा भी कुछ हैं कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो 22 हैं टोटल। तो ये नंबर याद रखना, 22, पहले 18 थी, उसमें 4 जोड़ी गई 2003 में। अब बात आते हैं कि इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, 19 पे आते हैं कि इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर एक नया राज्य बनाना पड़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स मस्ट बी अमेंडेड, तो किस स्केड्यूल का संशोधन करना आवश्यक होगा, तो ये लिखा है स्केड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा। तो कौन सा स्केड्यूल हम पकड़ेंगे, तो फर्स्ट स्केड्यूल ही पकड़ेंगे, और कोई भी राज्य से स्टेट से रिलेटेड बात अगर है, कोई स्टेट बनाना है, ठीक है, तो फर्स्ट स्केड्यूल ही पकड़ेंगे, पहला ही मतलब, बस से याद रखेंगे। पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया, तो आर्टिकल 16 के फोर्थ पार्ट में, अनुच्छेद 16 4 में आया, तो ये याद रखना है, पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात है तो 16 में आया, आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल यहीं पर पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म, अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 17 में, तो ये चीजें हैं कुछ। फिर आते हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट, अब ये ऊपर पढ़ा था, देखो रिपीटेड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल अग्रीमेंट तो क्या है, 253। फिर आगे बढ़ते हैं कि अनटचेबिलिटी अभी ऊपर ही पढ़ा था, इसमें अगला क्वेश्चन आ गया 2008 में आया था कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड चीज, तो आर्टिकल 70 में अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 21, तो नेम द थ्री लैंग्वेजेस विच आर एडेड टू द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 71st अमेंडमेंट, 8th स्केड्यूल में जोड़े गए 71st अमेंडमेंट जो हुआ था, तो वो तो चार हमने भाषा देख ही ली थी, तो वो क्या थी, 19 से 22 थी, अब उसके पहले हमने देखा 18 थी, तो जो 16 17 और 18वीं भाषा थी तो वो भी जोड़ी गई थी 1992 में, उनको जोड़ा गया था, तो वो भाषा थी कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, तो ये तीन भाषा थी जो जोड़ी गई थी 1992 में। तो उसके पहले देखते हैं क्या कि 15 हुआ करती थी, 15 के बाद फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 1922 को जोड़ा गया, ये जोड़ी है 2003 में और ये जोड़ी है 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 24 पे आते हैं, थ्रू विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ लॉ इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, तो कुछ सब्जेक्ट बनाए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, ये सेंट्रल के सब्जेक्ट हैं, पर फिर भी पावर दे दी गई सेंट्रल को कुछ आर्टिकल्स पे जो स्टेट के हैं, आप उसमें राष्ट्रीय हित में आप उसमें चीज़ें बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, तो कौन सा आर्टिकल ये हमें बताता है, तो आर्टिकल 249 में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल कुछ जो सूची है, जो मतलब राज्यों की सूची है, राज्यों के विषय की सूची है, उस पर लॉ बना सकता है, 249 में ये है। फिर आते 22 पे, तो सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें, क्या बात करें, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की अगर बात करें, तो इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 323A में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जिससे रिलेटेड जो काम हो सकता है, तो वो आर्टिकल 323A के अंदर है, और ये अधिनियम 1985 ने व्यापित सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारंभ किया, तो 1985 में आर्टिकल 323A में ये लिखा गया है। फिर बात करते हैं कि इनक्रेजेज एवरी स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टीचिंग इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, तो हर स्टेट को बोला जा रहा है या इनक्रेज किया गया इस आर्टिकल के थ्रू कि अपने लोगों को मदर टंग में उनकी टीचिंग करी जाए एट द प्राइमरी लेवल, मतलब कम से कम प्राइमरी लेवल पे तो सबको अपने मदर टंग में चीज़ें आए, तो ये आर्टिकल 350A के अंडर लिखा हुआ, तो ये समझने वाली बात है, ये आर्टिकल 350A मदर टंग वाली अगर बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 350A की है।
आवाज आ रहा है? हाँ तो ऊपर ले आओ। ट्वेंटी फाइव के आगे देखते हैं, ट्वेंटी थ्री पे आते हैं। तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो मदर टंग से रिलेटेड टीचिंग की बात कही जा रही है प्राइमरी लेवल पे, ये स्टेट को बोला जा रहा है, तो आर्टिकल 350A में है। फिर आते हैं 23 पे कि बच्चों के शोषण से संबंधित जो लॉ बनाए गए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात करें तो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 24 में ही वो चीज़ लिखी गई है, आर्टिकल 24। उसके बाद करते हैं कि ओनली यूनियन टेरिटरी फ्रॉम विच अ मेंबर इज इलेक्टेड टू द राज्यसभा, तो केवल अकेली एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, जहाँ से एक राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, तो केवल एक अकेली। तो पुडुचेरी के लिए राज्यसभा की एक सीट का आवंटन किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले वहाँ राज्यसभा की सीटें 18 थीं, लेकिन जून 2014 में विभाजन के बाद 7 सीटें नवगठित राज्य तेलंगाना को दे दी गई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 सीटों का आवंटन किया गया है। तो यहाँ से दो तीन चीज़ निकल के आती हैं कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा, ये तो पता ही है। दिल्ली के लिए हमारा 3 राज्यसभा की सीटें हैं, तो ये हमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट निकल के आती है। बाकी पुडुचेरी से राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होते हैं, तो ये एक दूसरी बात है। फिर आते हैं आगे संविधान के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 27 पे आता है, तो ये बात कर रहे हैं कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, पेयर करेक्टली मैच्ड, तो बाकी नहीं है ये चीज़ निकल के आती है। तो रिट ऑफ मैंडमस की अगर बात करें, रिट ऑफ मैंडमस, रिट मतलब याचिका, तो परमादेश याचिका, तो इश्यूड टू द पब्लिक सर्वेंट, तो ये पब्लिक सर्वेंट को इश्यू लोक सेवक के जारी की जाती है, लोक सेवक को जारी की जाती है, तो ये है रिट ऑफ मैंडमस। तो ये एक ऑप्शन सही था यहाँ पे। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका राज्य एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो ये याचिका है किसके विरुद्ध जारी की जाती है, मतलब किसके गलती पे जारी की जाती है, राज्य एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, परमादेश लोक सेवक सरकारी नौकर जो है उसके उसके हो गए। अधिकार प्रक्षा याचिका की अगर बात करें तो सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को, ठीक है, सार्वजनिक पद पर आसीन। और प्रतिषेध याचिका की अगर बात करें, प्रतिषेध याचिका की अगर बात करें तो ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को, ठीक है, तो कोर्ट से रिलेटेड जो हो गया तो उसको, तो ये देख लिया। यहाँ पे थोड़ा था अलग ही था कि मैंडमस वाला जो था इश्यू टू द पब्लिक सर्वेंट। फिर बात करते हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की कब सेलिब्रेट करी गई, तो 50th एनिवर्सरी 10 दिसंबर 1998 को, 50वीं करी गई थी 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने स्वीकृत एवं घोषित किया था, तो 10 दिसंबर डेट है। और 1948 में पहली बार घोषित किया था और 1998 में उसकी 50वीं वो मनाई गई। ठीक है, तो ये हो गया कि इसकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो फंडामेंटल राइट दिया जाए, तो ये बात किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई थी, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको उठाया गया। अब कुछ चीज़ आती है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें तो जीवी मावलंकर जो है वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो फातिमा बीवी पहली सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ये वुमेन जज हैं और ये चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस अलग होंगे ऊपर वो देखते हैं, तो चीफ जस्टिस हैं HJ कानिया। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर की बात करें तो सरोजनी नायडू।